कौन डिफाइन करेगा स्मॉल जी को? हाँ जी यस, इट इज एक्सेलरेशन, कॉन्स्टेंट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन विद विच एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ और फॉल्स डाउनवर्ड्स ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ अर्थ व्हेन इट इज फॉलिंग फ्रीली. सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिफोर गोइंग इन फर्दर, क्योंकि ये जी है. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑल्सो एक्सेलरेशन, इट्स यूनिट इज सेम एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन. What is the unit of acceleration? Unit. Meter per second square. G symbol है. तो इसका unit भी meter per second square है. Right? Are you okay? ठीक है? Check करा लिया? अब आगे जाने से पहले let us find out differences between mass and weight. Mass of an object, weight of an object, for a layman they are the same, but actually these are two different quantities. Mass and weight are always different. ठीक है, तो जब आप weighing machine से measurement लेते हो, what are you getting? Mass or weight? Mass. आप वही कह रही हो ना, layman language में weight कह देते हैं उसको. Actually you are measuring your mass. पहली चीज है, आपको reading से पता चलता है, mass will be in kilogram. And weight will be newton. तो आपको अपना वहां से मास पता चलता है, 50 kg, 60 kg. That is your mass, not weight. यहाँ मास है, वही तो कह रही हूं मैं. ठीक है ना? हाँ, मास है यहाँ. मास एंड वेट आर डिफरेंट. आप उसमें पहले ये देखो, रीडिंग किस यूनिट में आ रही है, केजी में कि न्यूटन में? केजी में आ रही है ना, केजी में मास होता है वो. उसमें क्या होता है कि स्प्रिंग बैलेंस के साथ कैरी करते हैं. स्प्रिंग बैलेंस जो है वो न्यूटन में हमें रीडिंग देता है, वो वेट होता है. हम दोनों चीजें निकाल सकते हैं, मास भी वेट भी. द स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस दैट गिव्स अस रीडिंग ऑफ वेट, नॉट मास. बट हम पहले क्वांटिटी की बात करें तो दे आर डिफरेंट. ठीक है, इधर सीधे बैठिए. मास का है, मास ऐसे नहीं होगा. तो मास क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर, MATER. मास इज क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट, एंड वेट इज अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, मास लिखिए क्या होता है. इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, MATER, मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट. पीछे स्टैंड अप. मास इज क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट, मतलब उसमें कितना मैटर, कितना है उसके अंदर पैक्ड है उस सब्सटेंस के अंदर, वो उसको मास बोलेंगे. एक सिमिलर सी डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है, डू यू रिमेम्बर किसकी है? क्वांटिटी ऑफ डैश कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट, वो किसकी थी? क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट, याद है ना, एक डेफिनेशन की थी. व्हाट डू वी कॉल इट? मोमेंटम. मोमेंटम इज क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट. मास इज क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट. जस्ट वन वर्ड का डिफरेंस है. ठीक है, एंड व्हाट इज वेट? न्यूटन किसका यूनिट होता है? फोर्स का. तो वेट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. ऑब्वियसली ये फोर्स कौन एग्जर्ट कर रहा है? अर्थ एग्जर्ट कर रहा है. तो लिखिए, वेट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. वेट इज, वेयर इज योर कॉपी? वेट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. गॉट दिस? तो वेट क्या होता है? इट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, एंड मास इज क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट.
तो अगर डिफरेंस आपने लिखने हैं तो साइड बाय साइड लिख सकते हो. फर्स्ट डिफरेंस विल बी ऑफ डेफिनेशन, दोनों की डेफिनेशन लिख देना. सेकंड डिफरेंस, इनके यूनिट्स आर डिफरेंट. यूनिट ऑफ मास इज केजी एंड यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन. मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेट क्योंकि फोर्स है तो दैट्स व्हाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. मास इज अ स्केलर, वेट इज अ वेक्टर. मास इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट. मास इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट बट वेट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. हाँ जी, न्यूटन एन क्या होता है? न्यूटन सेम एज दैट ऑफ फोर्स. हाँ जी, जाओ. मास इज ऑलवेज अ कॉन्स्टेंट. सपोज योर मास ऑन अर्थ इज 50 किलोग्राम, योर मास ऑन मून विल ऑल्सो रिमेन 50 किलोग्राम. मास चेंज नहीं होगा, चाहे आप जुपिटर पे चले जाओ आपका मास वही रहेगा. ठीक है, सो मास इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट बट वेट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. व्हाई? बिकॉज रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट इज W इज इक्वल टू एम जी. नोट कर लीजिए ये फॉर्मूला. रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट, वेयर W इज वेट, M इज मास और G क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट, ये डिफरेंसेस में मत लिखिए, नोट कर लीजिए साइड. जहां पे वेट को डिफाइन किया था ना, वहां पे आप लिख सकते हो इसका फॉर्मूला W इज इक्वल टू एम जी. एम जी मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास एंड वेट. ओके, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड वेट. इज दैट ओके? तो क्योंकि स्मॉल जी चेंज होता है, कैपिटल जी आई टोल्ड यू इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, बट क्योंकि स्मॉल जी चेंजेस सो दैट्स व्हाई वेट आल्सो चेंजेस. क्योंकि जी अभी मास तो कॉन्स्टेंट है, ये तो चेंज नहीं होगा, बट जी चेंज होता रहता है, तो बिकॉज ऑफ दैट वेट आल्सो चेंजेस. इसको हम करेंगे अच्छी तरह से डिटेल में, हाउ इट चेंजेस. अभी आप फॉर द टाइम बीइंग आप लिख लो कि वेट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मास रिमेन्स कॉन्स्टेंट. हाँ जी बोलो, क्या कह रहे हो? मास इज मेजर्ड, हाँ ये भी लिख लो, मास कैन नेवर बी जीरो. दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रही है इसका मतलब उसका मास है. वी कांट सी एनी मासलेस ऑब्जेक्ट. कैन यू फाइंड एनी ऑब्जेक्ट, लुक अराउंड यू एंड फाइंड एनी ऑब्जेक्ट विच इज मासलेस? क्या आप किसी भी ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल दे सकते हो अराउंड यू विच इज नॉट हैविंग मास, यू थिंक? बहुत लाइट, आपका हेयर भी हो सकता है, कोई वायर हो सकती है, कोई चीज ऐसी लगती है आपको दैट यू थिंक इज मासलेस? यस, हेयर मासलेस है. देखो इतने छोटे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट यू कांट सी विद नेकेड आई, वो भी उनका भी मास है. डू यू नो व्हाट इज द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? वो चार्ज है. मास 9.1 × 10⁻³⁻³ किलोग्राम. तो यू कैन वेल इमेजिन कि एक किलोग्राम का 10⁻³⁻ पार्ट कितना होगा, वो इलेक्ट्रॉन का मास. तो हर चीज का मास है, अगर मास नहीं है दैट ऑब्जेक्ट विल नॉट एग्जिस्ट. सो वी विल से दैट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो. मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रही है तो मासलेस नहीं है. बट वेट कैन बी जीरो. कैन यू नेम एनी प्लेस वेयर वेट इज जीरो? यस, वेट कैन बी जीरो. फॉर एग्जाम्पल एट द सेंटर ऑफ अर्थ, अगर आप अभी कहां पे हो? अर्थ के सरफेस पे. You are on Earth surface right now. तो अगर यहां से आप नीचे जाना शुरू करो, एक टनल डिक कर दो यहाँ अर्थ के सेंटर में जाना शुरू कर दो. इफ यू रीच द सेंटर ऑफ अर्थ यू विल स्टार्ट फ्लोटिंग, यू विल स्टार्ट फ्लाइंग देयर बिकॉज जी इज जीरो देयर.
So you will be in a state of weightlessness. Have you ever experienced weightlessness? कहीं आपको लगा कभी कि मेरा वेट कम हो रहा है? कहाँ लग रहा है आपको? हाँ, वाटर में होते हो और सरफेस ऑफ अर्थ पे जाएंगे, फ्लोट नहीं करेंगे, सेंटर पे जाएंगे. हाँ, वो सेकंड एग्जांपल हो गया उसका. राइट नाउ जो मैंने पूछा उसका बताइए. यस, ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑल्सो. तो लिखो तीन एग्जाम्पल जहां पे वेट कैन बी जीरो. ये अलग से आप क्वेश्चन बनाना, अभी रुक जाओ. वेटलेसनेस, दैट इज कॉल्ड वेटलेसनेस, व्हेन वी डोंट फील एनी वेट. अभी मैंने ये पूछा है कि हैव यू एक्सपीरियंस एवर कि आपका वेट कम हो गया पहले से? कहीं पे लगता है आपको? एक तो आप एग्जाम्पल दे रहे हो वॉटर के अंदर, और कोई एग्जाम्पल? लिफ्ट के अंदर. बट वेन द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अप और डाउन? कब? डाउन. तो जब आप लिफ्ट से डाउनवर्ड आ रहे हो तो आपको कई बार लगता है कि वेट हमारा कम हो गया, ठीक है? सो दिस इज अ स्टेट ऑफ वेटलेसनेस. सपोज कर दो कि कोई लिफ्ट की केबल को कट कर दे, लिफ्ट स्टार्ट फॉलिंग फ्रीली, लिफ्ट विल स्टार्ट फॉलिंग फ्रीली. इन दैट सिचुएशन will you be in a state of weightlessness or not? Yes. So free fall ke during bhi weightlessness ki state hoti. Theek hai? So differences ke baad agla question aap likh lo. Write three examples of weightlessness. Write three examples of weightlessness. So likh sakte ho aap at center of earth. At center of earth during free fall, during free fall and in space. आपने एस्ट्रोनॉट्स की पिक्चर्स देखी होंगी स्पेसशिप के अंदर, तो फ्लोट कर रहे होते हैं. At center of earth during free fall and in space we are in a state of weightlessness. Next point of difference likho, mass is measured with the help of physical balance. Mass is measured with the help of physical balance. Wo aapne dekha na vegetable sellers ke baad left pan right pan, that is called a physical balance. To usse wo jo aapko vegetables ka mass measure karke de raha hai, weight nahi mass de raha hai. आपको केजी में दे रहा है ना वेजिटेबल, मास है ना. मास कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ फिजिकल बैलेंस. मेजरमेंट बता रहे हैं कि किस डिवाइस से हम इसको मेजर कर सकते हैं. एंड वेट, यू स्टैंड अप, होता भी स्टैंड अप, स्टैंड अप. And weight is measured with the help of a spring balance. Weight is measured with the help of a spring balance. Weight is measured with the help of a spring balance. So six differences we have written. स्प्रिंग बैलेंस हमारे पास लैब में है, हम जब जाएंगे तो आई विल शो यू. हाँ, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये पैन होता है इसके साथ, ठीक है? और यहाँ ये स्लिट होती है, इसके पीछे स्प्रिंग नजर आता है, यहाँ पॉइंटर लगा होता है. एंड वी हैव रीडिंग्स. तो हम जो मास यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट रखते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स वेट द स्प्रिंग गेट्स एक्सटेंडेड, स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाता है उसकी वजह से. अकॉर्डिंगली द पॉइंटर मूव्स एंड वी नोट द रीडिंग. तो हम वहां से रीडिंग नोट कर लेते हैं, ठीक है? दिस इज अ स्प्रिंग बैलेंस. वी हैव पॉकेट स्प्रिंग बैलेंसेज इन आवर लैब, ठीक है? तो वेट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ स्प्रिंग बैलेंस. यस, इज दैट फाइन?
तो सिक्स डिफरेंसेस आर क्लियर टू यू बिटवीन मास एंड वेट, राइट? एक क्वेश्चन लिखिए आप बेस्ड ऑन रिलेशन बिटवीन मास एंड वेट. हाँ जी, और कोई है तो बता देना. चलिए लिखिए एक क्वेश्चन, राइट डाउन. क्या करना है? नहीं, वो पूछ रहा है. यू डोंट नीड, मैं एग्जांपल दे रही हूँ. यस, लिखिए क्वेश्चन. द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 60 kg. मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 60 kg. फाइंड Find its mass and weight. Find its mass and weight on moon. Find its mass and weight on moon. हाँ, mass on moon will also be the same. अब पहले हम weight on earth निकालते हैं. W is equal to mg से निकालेंगे. मास है 60 और g अर्थ पे कितनी है? 9.8 होती है. अर्थ पे नहीं लेते हम, अभी एग्जैक्टली ले रहे हैं. अगर आपको कहा हो कि g 10 ले लो तो लेनी है. हाँ, अगर न्यूमेरिकल्स में गिवन होगी तो लेनी है, अदरवाइज हम इसलिए. हाँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो ये हो जाएगा, ये जी किसके लिए? अर्थ पे है ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अभी हम कैलकुलेट करेंगे इसको. जी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर अर्थ. ऑन मून, मून पे जी जो होती है 1/6 हो जाती है. मून पे जो जी है in comparison to that on earth is 6 times less. So if you go one step higher on earth, you will go 6 times higher on moon. Jitna aap ek step yahan pe rakhte ho na, moon pe 6 times higher jaoge aap, kyunki wahan pe g 1/6 hai, itni kam hai. Theek hai, g is 1/6 of that on the surface of earth. ठीक है, तो पुट करते हैं हम. सो वेट ऑन मून W डैश इज एम जी डैश, मतलब जी चेंज है तो वेट भी चेंज हो जाए. अब मास 60 है वहां पे भी, जी कितनी है? जी बाय 6. हमने कहा जी बाय 6 है मून पे. मून पे जी कितनी है? 1/6 ऑफ दैट ऑन अर्थ. हाउ मच इज दिस? 98 न्यूटन. मतलब वही ऑब्जेक्ट अप्रोक्सीमेटली दैट वाज वेइंग 600 न्यूटन ऑन अर्थ विल वे अबाउट 100 न्यूटन ऑन मून. तो मून पे जाके 1/6 रह जाएगा उसका वेट. ओके, सो दिस वे यू कैन डू द न्यूमेरिकल्स ऑफ मास एंड वेट. दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स. हाँ जी, हाँ ले सकते हो. हाँ, दिस थिंग इज 588 डिवाइडेड बाय 6. हाँ, ऐसे ज्यादा इजी है वैसे, जैसे मर्जी करो, आंसर सेम ही है. देखो, मून का बस याद रखो 1/6 है, बाकी अगर होगा इट विल बी गिवन टू यू इन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. ठीक है, चलिए अब हम आते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्मूला को डिराइव करते हैं.
डेफिनेशन कर ली थी, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। This is Earth, mass of Earth, radius of Earth, a point on Earth. हमने अर्थ के सरफेस पे एक मास ले लिया स्मॉल m, मास ऑफ अर्थ इज कैपिटल m. बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हाउ कैन यू राइट फोर्स बिटवीन बोथ द मासेस? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा दोनों में? क्या फॉर्मूला था न्यूटन्स? तो एफ इज इक्वल टू जी, एम वन क्या है अर्थ का मास, एम टू क्या है स्टोन का मास, ओवर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये बन जाएगा इन प्लेस ऑफ राइटिंग m1 m2 वी आर राइटिंग द मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ स्टोन जिनके बीच में हम ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। से दिस इज इक्वेशन नंबर वन, देख लो पहले यहां तक वी सिंपली वी हैव अप्लाइड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वी हैव सिंपली रिटन द फोर्स फोर्स बिटवीन देम। आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, पनिशमेंट दे दी फिर भी बातें हो रही है ना, यहाँ एक पीरियड में पनिशमेंट लेके हटेंगे दूसरे में फिर हम कोशिश कर रहे हैं। व्हाट डू यू वांट, व्हाट्स योर नेम? जयंत, फाइन। आल्सो बाय डेफिनेशन ऑफ वेट, क्या फॉर्मूला वेट का भी बताया था, W इज इक्वल टू mg था ना, और होता क्या वेट, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फॉर दिस आर्टिकल लेट अस नॉट यूज W, लेट अस यूज F, क्योंकि हम पहले यूज कर चुके हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए F। ये भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, वेट भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है। सो फॉर दिस आर्टिकल लेट्स नॉट यूज अनदर सिंबल, तो F लिखा था F ही रहने देते हैं, फॉर्मूला तो यही है ना mg, वो लिख दी। सो बाय डेफिनेशन ऑफ वेट आल्सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू mg। हाँ ये वेट ही होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स वेट ही होता है, ठीक है। स्टेप समझ में आ गया ये वाला, देख लो एक बार, कंपेयर वन एंड टू, क्या करते हो कंपेयर आप, एक साइड सेम है लेफ्ट हैंड साइड, सो दैट मींस राइट हैंड साइड, मैं बोल लूं तो अगर लेफ्ट साइड सेम है राइट साइड भी सेम होगी, ठीक है, इक्वेट देयर राइट हैंड साइड। सो mg इधर है और यहां पे क्या है, gmm बाय r स्क्वायर, सो mg इज इक्वल टू gmm बाय r स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड वाज ऑलरेडी सेम, we equated the right hand side also, this is what we mean by comparison, compare to equation ka matlab left side ko left se compare karo, right ko right se compare karo, ab dekho kya cancel out ho jayega, and we are left with formula of g, so we are left with formula of small g, gm upon r square, so it is very surprising result कि जिस स्टोन को हम गिरा रहे थे उसका तो मास ही नहीं आ रहा फॉर्मूला में। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज फॉलिंग फ्रीली। तभी मैंने आपको कहा था ना, कैट डॉग एलिफेंट सभी इतनी एक्सेलरेशन से गिरेंगे, उनके मास पे डिपेंड नहीं करेगा। एम के साथ एम कट तो गया,
ये कैपिटल एम क्यों नहीं कटा, स्मॉल एम था ना ये, खड़े देखो हमने उस दिन ये कह रहा है कि अगर एक 5 केजी ऑब्जेक्ट है, एक 1 केजी ऑब्जेक्ट है, तो 5 केजी पहले क्यों गिरता है। हमने उस दिन कॉइन एंड फेदर डिस्कस किया था ना, गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट कॉइन एंड फेदर का। कॉइन पहले इसलिए गिरता है क्योंकि उसका मास का फैक्टर नहीं है यहाँ पे, उसका एरिया कम है, सरफेस एरिया कम है, बिकॉज ऑफ दैट लेस फ्रिक्शन ऑफ एयर इज एक्टिंग ऑन इट, इसलिए वो पहले गिरता है। ठीक है, आप वो उसका मास ज्यादा का मतलब ये थोड़ी है कि एरिया भी ज्यादा होगा, वो कैसे मास के साथ एरिया कैसे रिलेटेड है बताओ। 5 किलो वाली बड़ी होगी, 1 किलो वाली छोटी होगी, मतलब हो सकता है उसका एरिया हो सकता है कि ज्यादा हो। अब हम कैलकुलेट करते हैं फॉर अर्थ, फॉर अर्थ पीछे चलो स्टैंड। अब निकालने लगे अर्थ के लिए, अर्थ का मास है 6 × 10⁻²⁴ किलोग्राम और रेडियस है 6400 किलोमीटर, उसको मीटर में लिख रही हूं। अर्थ का मास नोट कर लो 6 × 10⁻²⁴ किलोग्राम एंड रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर, जिसको हमने मीटर में लिख दिया है। इसको सॉल्व करके आओगे घर से आप, गिवन होगी वैसे। सो इफ यू विल चेक करना है अपने घर से, तो इट कम्स आउट टू बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज हाउ वी गॉट द वैल्यू ऑफ जी फॉर अर्थ, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कैपिटल जी की वैल्यू है, हमने की थी ना, तो 6400 किलोमीटर, रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया है।